थन से दूध बहाने लग गईयां, यमुना नदी तो लागे दूध की नदियां। सर्दी के मौसम के जाने की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही खुशनुमा मौसम का आगाज हो चुका है, जिस मौसम में गायें और भैंसें अच्छे तरीके से बढ़वार करती है, यानी कि उनमें शारीरिक वृद्धि होती है। ऐसे में इनका इस समय अच्छा रखरखाव किया जाए तो वेट गेन करवाने में भी काफ़ी सहूलियत रहती है और इसी से दूध के उत्पादन में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में आपको एक सुंदर राठी नस्ल की गाय जो कुछ दिनों में बच्चा देने को रेडी है, शानदार दुधारू है और बेहद रीजनेबल प्राइस रेंज के अंदर सेल के लिए अवेलेबल है, वह दिखा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। हर घर देसी गोवंश, हर खूंटे देसी गोवंश, इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज के वीडियो में आपको एक सुंदर राठी नस्ल की गाय जो बिना सींगों में है और भारी झालर लिए हुए है और लंबी नाभि सुंदर अडर क्वालिटी के साथ है, जिसमें लंबे मुठिया थन है, काफ़ी सेहतमंद तो है ही, साथ ही शरीर में वजनदार होने के साथ साथ दूध क्षमता में भी काफ़ी गजब की है। ये गाय सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें, साथ ही साथ नज़दीक दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको रेगुलर और सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर राठी, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी, गिर, कांकरेज, चोलिस्तानी आदि जो भारतीय दुधारू नस्लें हैं उन पर रेगुलर डेली बेसिस पर 4 से 5 वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप उनमें से अपनी पसंद की गाय, अपनी पसंद की ब्रिड और अपनी पसंद की दूध क्षमता के अनुरूप आपके बजट की गाय खरीद सकते हैं, यानी कि जो गायें आपके बजट में हो उनका चुनाव किया जा सकता है। इस गाय को पालाराम जी सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं जो विलेज चुनावट कोठी, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9981007060। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके गाय के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जैसा पालाराम जी ने हमें बताया है कि इस गाय ने पहले ब्यांत के अंदर 15 लीटर दूध दिया है। पहले ब्यांत में जो गाय 15 लीटर दूध क्षमता हासिल करे उससे दूसरे ब्यांत में 16 से 17 लीटर दूध क्षमता की उम्मीद तो की ही जा सकती है। गाय को ब्याने में अभी लगभग 7 से 10 दिन और भी ड्यू हैं। इन दिनों में अडर और अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगा और उसी ग्रोथ के अनुरूप ही गाय की दूध क्षमता भी जैसी बताई गई है वैसी रहने की उम्मीद की जा रही है। कीमत 70,000 रुपये, 70,000 रुपीज़ डिमांड की गई है। इसमें कुछ बार्गेनिंग चाहते हो या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और चार्जेस के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर मेंशन किए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। आप यहाँ विजिट करें और पालाराम जी के पास उपलब्ध जो सैकड़ों गायें हैं उन गायों में से भी अपनी पसंद की गाय का सिलेक्शन कर पाएंगे। इनका कार्य गोपालन करना ही है और गोपालन में जो गायें सही से तैयार हो जाती है उनको बेचकर मुनाफा हासिल किया जाता है। ऐसे में आप इनके पास उपलब्ध अन्य गायों में से भी अपनी पसंद की गाय का सिलेक्शन कर सकते हैं। गाय कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।